ये बला टल जाएगी मुकेश, ये बला जल्दी टल जाएगी। कितनी जल्दी रामनाथ जी? बहुत जल्द। एक अरसे से पूरा समय ही चल रहा है, ये दशा कब तक चलेगी? तीन हफ्ते मुकेश, सिर्फ तीन हफ्ते। तीन हफ्तों के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी मुकेश। उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है मुझे। तुम्हारे आसपास जितनी भी मुश्किलें हैं सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार ये दशा टल जाए। क्या किसी इंसान के पास दूसरे इंसान का भविष्य देखने की शक्ति हो सकती है? क्या कोई किसी के आने वाले कल को अच्छे या बुरे कल में बदल सकता है? क्या जीवन के गंभीर मसलों का हल चमत्कारी ताकतों से पाया जा सकता है? तीन दिन से ताला लगा रामनाथ जी के घर पर। ऐसी कहीं जाती थी तो गायत्री भाभी हमेशा मुझे बताती थी, इस बार किसी को नहीं बताया। दूध वाला भी पूछ रहा था कब आ रहे हैं ये लोग। वो रामनाथ जी के चेले, वो लक्ष्मण और धीरज, वो भी आकर लौट गए। सरला, दो तीन दिन पहले रात को जो हो रहा था वो अजीब था। क्या हो रहा था? वो गली में कुत्ता कितने अजीब तरह से रो रहा था, कुछ मनहूस हो रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हो? आप भी रामनाथ जी की तरह बातें करने लगे हो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं रामनाथ जी के छोटे भाई आनंद को फोन लगाता हूँ। नहीं रोहित, रामनाथ भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया, हुआ क्या? नहीं, बस वो फोन नहीं उठा रहे हैं और तीन दिन से घर पर ताला है। तीन दिन से ताला लगा हुआ घर पर? हाँ आनंद, मैंने आखिरी बार उन्हें 16 जुलाई को देखा था, उसके बाद कोई भी नहीं दिखा। पापा, विशाल भैया और नया दीदी का भी फोन बंद आ रहा है। हाँ विशाल, ये गायत्री भाभी का फोन भी बंद आ रहा है। सब लोग गए कहाँ होंगे? ऐसे सभी लोग फोन बंद करके कहीं जाएंगे क्या? कुछ तो गड़बड़ है। आप तुरंत माजोली के लिए निकल जाइए, देख कर आइए ना कि माजरा क्या है। सर, मैं आनंद दीक्षित, रामनाथ दीक्षित का छोटा भाई। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर गए हों जहाँ मोबाइल का नेटवर्क ना मिलता हो। नहीं सर, ये रोहित जी हैं भैया के पड़ोसी। सर, ये धीरज है, ये लक्ष्मण है, भैया के शिष्य हैं। इनमें से किसी को भैया ने कुछ बताया नहीं कहीं जाने के प्लान के बारे में।
तो आप चाहते हैं कि हम ताला तोड़े और अंदर देखें? मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। सर रुकिए, खून। भाविका, अंदर देखो। यस सर। यहां कुछ हुआ है सर? कोई है अंदर क्या? नहीं आना, अंदर कोई नहीं। यहां जिस तरह से कपड़े बिखरे हुए हैं, लग रहा है जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा था। सर दूसरे वाले बेडरूम की अलमारी और लॉकर भी खोले गए। सर अलमारी आधी खुली हुई थी, लॉकर भी मैंने खुला पाया, पूरा खाली। ये रामनाथ जी तिजोरी में जेवर कैश कुछ रखते थे क्या? होंगे सर, रामनाथ भैया के जितने क्लाइंट हैं, मतलब जितने लोग मिलने आते हैं, वो कैश में पेमेंट करते हैं, कभी कभार तो गोल्ड में पेमेंट होता है। गोल्ड में? जी सर, लेकिन हुआ क्या है यहाँ? मेरे भैया भाभी और उनके बच्चे कहाँ हैं? तोमर, फॉरेंसिक टीम को तुरंत आने को कहो, यहाँ कुछ तो हुआ है। सर घर के पीछे वाले आंगन में आइए, कुछ हुआ है वहां। सर यहां खुदाई हुई, फिर ढका गया है, फ्रेश लगता है। मुझे आइडिया नहीं सर, मैं यहाँ भैया के यहाँ काफी अरसे बाद आया हूँ। ये जमीन कुछ ज्यादा ही खोदी गई है सर। सर घर के अंदर खून के धब्बे तो हैं, लेकिन कोई लाशें नहीं, हो सकता है यहाँ। अब जो जमीन के अंदर से सामने आने वाला था, उससे सिर्फ मझौली गांव नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। और रामनाथ दीक्षित के घर हुआ ये रहस्यमय कांड पुलिस के लिए काफी पेचीदा साबित होने जा रहा था। आराम से खोदो, आराम से। सर अभी तक तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। लेकिन सर यहां जरूर कुछ मिलेगा। ये तो रामनाथ भैया है। चारों पर छुरे जैसे किसी हथियार से वार किया गया है। सबकी जेगुलर वेन काटी गई है, ये गले की है नस। ऐसी हालत में मौत ऑन द स्पॉट होती है। हमला एकदम अचानक किया गया होगा, क्योंकि पड़ोसियों ने किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी। हमने तो कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी सर। 17 तारीख की सुबह से ये लोग दिखे ही नहीं, तब से ताले लगा है घर पे। लक्ष्मण, धीरज, क्या लगता है तुम्हें रामनाथ जी के पास 16 की रात को कौन आया होगा जो ऐसा करके? पता नहीं साहब, 16 की शाम को गुरुजी के साथ बैठक हुई, उसके बाद मैं अपने घर चला गया। मैं भी साहब, मैं और लक्ष्मण साथ ही निकले थे।
लक्ष्मण, उस रात कोई आने वाला था क्या रामनाथ जी से मिलने? गुरु जी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं। सर, ये चार फोन्स ड्रॉअर में से मिले। इन्हीं चारों के होंगे, रामनाथ जी, उनकी वाइफ गायत्री और बच्चे नेहा और किशोर। कम से कम 72 घंटे। 72 घंटे इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते, क्योंकि 16 जून की शाम को इन सबको देखा गया था और 17 तारीख से घर पर ताला लगा है। अजीब बात है इंस्पेक्टर, 16 की रात 4-4 कत्ल होते हैं, लेकिन पड़ोसी को भनक तक नहीं लगी। उस रात को कोई कुत्ता बड़ी डरावनी तरीके से रो रहा था, बस मुझे इतना ही याद है सर। कुत्ता रो रहा था? हाँ, मैं उठ गया था, बहुत ही मानुष सा लग रहा था, घबराहट से होने लगी थी सर। फिर मैं थोड़ी देर में फिर से सो गया था। आनंद जी, आपके भाई काला जादू वगैरह करते थे? नहीं, भविष्यवाणी करते, लोगों की मुश्किलें हल करते थे। तुम दोनों रामनाथ जी से क्या सीख रहे थे? ज्योतिष विद्या मैडम, लोगों का भविष्य देखकर उपाय बताना। आनंद जी, आपके भाई की किसके साथ ऐसी जानी दुश्मनी थी जिसने परिवार सहित उनका कत्ल कर दिया? चारों फोन्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पैक करने के लिए जबलपुर भेज रही हूँ। गुड, और फोरेंसिक ऑफिसर को बोलना जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी। घर से कुछ पता चला क्या क्या चुराया गया? रामनाथ जी के भाई आनंद को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उनका इतना कहना है कि लॉकर में काफी कैश और ज्वेलरी रही होगी। रामनाथ जी संदूक की चाबी अपनी कमर से बांध कर रखते थे, क्यों? हाँ साहब, ये संदूक कोई और खोलता नहीं था, सिर्फ गुरुजी ही खोलते थे। अब तुम खोलो, ये लो, खोलो। Thank you.
जिसने भी ये मर्डर किए वो अलमारी से शायद कैश और ज्वेलरी दोनों ले गया, फिर उसने ये संदूक क्यों नहीं खोला होगा? हमें कैसे पता होगा साहब ये संदूक के अंदर क्या चीजें हैं? साहब ये गुरुजी की चीजें हैं, हमारे लिए तो संदूक को छूना भी मना था। ये उनके तंत्र मंत्र का सामान है क्या? साहब हमें सच में नहीं पता। लक्ष्मण धीरज, ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हारे गुरुजी और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दे? साहब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई था, और अगर कोई था तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। साहब मुझे भी नहीं पता गुरुजी और उनके परिवार को कोई क्यों मारेगा, वो तो बहुत भले आदमी थे, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। तुम दोनों का इस घर में बराबर आना जाना था, अब तुम दोनों हमें ये बताओ ऐसा और कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? वो गोपाल से आपने बात की? गोपाल जोशी? गोपाल रामनाथ दीक्षित के शिष्य हो तुम? जी। आपने कुछ सिखाया है गुरुजी? उनकी दी गई विद्या से, उनकी कृपा से आज मेरे खुद का व्यवसाय जम गया। आखिरी बार कब मिले थे रामनाथ दीक्षित से? कुछ वर्ष पहले रास्ते पे मिले थे, हमेशा की तरह उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। गोपाल रामनाथ दीक्षित को गला काट के मार दिया गया, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई उनके। सर देर रात हुआ होगा, वो पड़ोसी रोहित कह रहा था कि उस रात को एक कुत्ता बहुत अजीब तरह से रो रहा था और काफी देर तक रो रहा था। इस तरह कुत्ते के रोने को अपशगुन माना जाता है, और रामनाथ तांत्रिक विद्याएं करता था। मनचंदा ये खून के धब्बों के बीच की जो दूरी है ना, इन मर्डर्स की कहानी बयां कर रही है। कत्ल एक के बाद एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, रामनाथ दीक्षित की पत्नी गायत्री और उनकी बेटी नेहा के साथ बलात्कार भी किया गया। ये बलात्कार कत्ल के बाद हुआ है इंस्पेक्टर। डॉक्टर यू मीन नेक्रोफिलिया? यस नेक्रोफिलिया, लाशों के साथ संभोग की विकृति। कौन हो सकता है वो जो ये सब कर सकता है? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन कर सकता है। रामनाथ जी जैसे भले इंसान, उनका भला परिवार, और ये हमला सिर्फ चोरी के इरादे से किया गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं। चार चार मर्डर करना, घर लूटना, फिर चारों लाशों को यहाँ घर के पीछे के आंगन में दफनाना, ये मर्डर्स लूट और चोरी की वजह से किए गए नहीं लगते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लाशों को दफनाता क्यों? राइट सर, डाका डालने वाले अक्सर मर्डर्स करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट भी करते हैं, कब्रें खोदने के लिए कोई इतनी मेहनत करेगा, वक्त जाया करेगा? बिल्कुल नहीं, और जो चोरी हुई है वो इतनी चालाकी के साथ हुई है कि पहले हमारी नजर में ही नहीं आई, और वो बाहर दरवाजे के ताला लगाना, कौन सा चोर ऐसा करता है? ये कोई निजी मसला है, या तो ये किसी जान पहचान वाले बहुत ही करीबी इंसान ने किया है, या फिर किसी से करवाया है बाकायदा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ, कौन कहां पर होगा, क्या कैसे करना है, और क्या चीज कहां पर मिलेगी। लक्ष्मण और धीरज ने हमें बताया कि एक साल पहले तक तुम अपने गुरु और उनके परिवार के काफी करीब थे। सर करीब था क्योंकि गुरु थे मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं जो कुछ भी अपने पैरों पे खड़ा हूं तो सिर्फ गुरु जी की वजह से। कौन हो सकता है वो जो इतनी नफरत करता था उनसे? बोलो गोपाल। दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके छोटे भाई आनंद। क्या आनंद दीक्षित? बोलो। गुरुजी और उनके छोटे भाई आनंद के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। दामों में उनका पुश्तैनी घर है। पापा बहुत टेंशन में लग रहा है। एक बात खाई जा रही है बेटा, गायत्री भाभी और यहाँ के साथ जो किया बहुत घिनौनी हरकत है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मण क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? जो भी मत करना धीरज, चुपचाप बैठे रहो। क्यों तुझे नहीं लगता हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? सच बताने जाएंगे तो हमारी जान पर आएगी,
तुझे इतना तो समझ आ रहा है ना कि पुलिस को हम पे शक है? बिल्कुल समझ रहा हूँ मेरे भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ, मुंह बंद रखना है हमें, एकदम बंद। इन चार भयंकर हत्याओं के रहस्य की एक चाबी थी। ये चाबी वो एक बात थी जिसके बारे में रामनाथ दीक्षित के शिष्यों लक्ष्मण और धीरज ने चुप्पी साधने का फैसला कर लिया था। ये कोई साधारण चोरी के दौरान हुआ हत्या का मामला तो बिल्कुल ही नहीं था। अब सवाल यह था कि नौजवान कब तक खामोश रह पाते और इस केस का सच कब तक छुपा रहता। The number you have called is currently switched off. गिरी, ये नंबर 444579124। फोन कंपनी से पता करो किसका है, अर्जेंट। जी मैडम। हेलो, कस्तूरी नगर पुलिस स्टेशन से एएसआई भाविका शर्मा बोल रही हूँ, आप कौन है? जी मैं श्रेया गोयल बोल रही हूँ। तुम्हारी और किशोर दीक्षित की काफी बात होती थी फोन पर। जी हाँ, हम दोस्त थे तो तुम्हें तो पता ही होगा किशोर दीक्षित का मर्डर हो गया। जी हाँ, जानती हूँ। साहब मैंने पता किया, दमों में पुश्तैनी घर को लेकर दोनों भाइयों में काफी खटास थी। तो ये गोपाल जो बता रहा था रामनाथ के भाई आनंद के बारे में, वो सच है? बिल्कुल सच है। एक मिनट गोपाल, रहने दो इसे। मेरा छोटा भाई ये चाहता है कि वो दमोह वाला घर में पूरा इसके नाम कर, 15 लाख देने थे, 8 दे चुका है, 7 बाकी। मैं इससे कह रहा हूं कि भाई वो 7 लाख दे दो तो मैं कागजात पे साइन कर देता हूं। मैं गलत कर रहा? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे आप। अगर आपकी जगह पे आनंद जी होते तो क्या वो साइन करते? अपना काम करो गोपाल। और भैया घर के मामले में बाहर वालों को क्यों ला रहे हैं आप? 7 लाख देने दे दूंगा मैं, कहीं भागा जा रहा हूं क्या? अरे तो मैं भी कहां भागा जा रहा हूं आनंद। देखो भाई, हिसाब साफ होना चाहिए, आसानी रहेगी सबके लिए। अब रामनाथ तो रहा नहीं और ना उसका परिवार, उस सारी जमीन अब सिर्फ आनंद दीक्षित की। हाँ मैम, मुझे किशोर के लिए डर था और पहले से ही था। क्यों? उसके पापा कॉर्पोरेटर है। किसके पापा? सूरज के पापा। और सूरज ने किशोर को धमकी दी थी। किशोर ने किशोर छोड़ो उसे, किशोर मत करो, छोड़ो उसे, सूरज नहीं, किशोर क्या कर रही हो तुम, होश में दो। श्रेया तुम पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। सिर्फ दोस्त थे सूरज, पर मैं किशोर को लाइक करती हूँ और वो मुझे। तो तू पीछे रह साले, और तू जो भी है ये दुनिया ना तेरे बाप की जागीर नहीं है। है साले, है दुनिया मेरे बाप की जागीर है। अबे कॉर्पोरेटर है तो क्या हुआ, अबे भगवान तो नहीं है? अबे तू देखेगा क्या ताकत है मेरे बाप की, तू तेरी तो पूरी फैमिली देखेगी। अबे मझौलिया कब, और वहां के ना पूछ की रामनाथ दीक्षित की क्या ताकत, एक मंत्र पढ़ेगा ना तुम सबकी बैंड बज जाएगी। चल फिर देखते है ना मंत्री की पावर जीतती है या फिर मंत्री की पावर। मैं किशोर के लिए डरती थी, सूरज ने किशोर का धमकाया था कि वो उसको और उसकी फैमिली को सबक सिखाएगा। जब 3 दिन तक मैं किशोर से कांटेक्ट नहीं कर पाई, उस दौरान मुझे सूरज मिला। श्रेया बैठना, कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ तुझे। नो थैंक यू। अच्छा सुनना, अरे वो नहीं दिख रहा, क्या नाम था उसका? हाँ किशोर, कहाँ गया सूरज? किशोर कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं ध्यान में लगा कर बैठा होगा ना अपने बाप जैसी पावर पाने के लिए। मैं पूछ रही हूँ किशोर कहाँ है। देख श्रेया, तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तू भूल जा उसको, तू मेरी है, लौट आ मेरे पास, तुझे वापस आना ही होगा। तुम्हें लगता है सूरज का कोई हाथ है इस हत्याकांड में? वो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनके कनेक्शंस ऊपर तक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैम
गोपाल भाई, गोपाल भाई। भैया वो लक्ष्मण और धीरज मिलने आए हैं। गोपाल भाई एक बात थी जो हमने आपको नहीं बताई। क्या? पुलिस ने लक्ष्मण से गुरुजी की संदूक खुलवाई। और क्या धीरज, क्या हुआ? लक्ष्मण संदूक में नहीं थी वो। हमें पता है आनंद, तुम्हारी अपने भाई रामनाथ दीक्षित के साथ अनबन चल रही थी पुश्तैनी घर को लेकर। इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो तुम्हें इस जुर्म से जोड़े। अब तुम्हें बताओ, तुम अपना जुर्म खुद कबूल करोगे या फिर हम हमारे तरीके से कबूल करवाएं? कम से कम दो लोग थे, शायद तीन, जिन्होंने रामनाथ दीक्षित और उनके परिवार की हत्या की। इस सबकी लाशों को घर की बैक साइड में दफना दिया। और इतना ही नहीं, तुम्हारी भाभी और भतीजी के साथ उन्होंने रेप भी किया है। ये किराए के लोग भी हो सकते हैं और एक ना एक दिन हम इन्हें धर ही लेंगे। फिर ये लोग हमें बताएंगे कि किसने उन्हें सुपारी दी थी। उस गोपाल ने चुगली की। हम तुम तक पहुंच गए आनंद, अब ये मैटर नहीं करता है कि रास्ता हमें किसने दिखाया। मुझ तक तो पहुंचना ही था सर, मेरे और भैया के बीच में पुश्तैनी मकान को लेकर इतना बड़ा मसला चल रहा था, सबको मालूम था। तुम्हारी दुश्मनी जाहिर थी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शक के दायरे के बाहर। दुश्मनी नहीं थी सर, वो सिर्फ एक मकान का मसला था। और उस मसले के लिए इतना भयंकर कांड करवाऊंगा मैं? अपने भाई की हत्या करवाऊंगा? अपनी भाभी और भतीजी के साथ इतनी? सर मैं मानता हूं कि मुझे वो मकान चाहिए था, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर मैं साधारण सा व्यापारी हूं, इतना गंदा नहीं सोच सकता। मेरे भैया और भाभी को, बच्चों को, सबको मार डाला गया, उसके पीछे कोई और कारण है। और क्या है ये कारण? सर मेरे भैया बहुत कम उम्र से इस सब में शामिल थे, उनके पास दैवी शक्तियां थी, उनको लोगों की समस्याओं के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाता था, और लोगों की समस्याओं को दूर करने की शक्तियां थी उनके पास। हमारे पास भी शक्तियां मुजरिम तक पहुंचने की, फिर चाहे मुजरिम ने कितने भी चालाकी की। तो लगाइए ना शक्तियां, क्योंकि आपका मुजरिम मैं नहीं हूं। रामनाथ दीक्षित मेरे सगे भाई थे। माधव रघुवंशी नाम है सर। रामनाथ की बेटी नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में काफी बार आया है। 16 जुलाई को उसे आखिरी कॉल इस माधव रघुवंशी के फोन से ही गया था। माधव अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। मैं कब से तैयार हूँ? तुम तैयार हो? ठीक से सोच लो, सच में तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो आज रात कर दें? हाँ जब बोलो तब। 16 जुलाई की रात को फैमिली का एक कॉल्स में से ये लास्ट कॉल था? जी सर। इस माधव को ले आओ, हो सकता है नेहा ने माधव को कुछ बताया हो, उस रात कुछ हुआ हो इस कांड से। जी सर, माधव को मैं अभी बुलाती हूँ। और सर मनचंदा सर कॉर्पोरेटर धर्मेंद्र गुप्ता के बेटे सूरज गुप्ता को उठाने गए। इंस्पेक्टर तुम मेरे ही घर में घुसकर मुझसे ये पूछ रहे हो कि मेरे बेटे ने यह कांड किया और इस कांड को अंजाम तक पहुंचाने में मैंने इसकी मदद की है, वो भी उस किशोर के साथ हुए पिद्दों से झगड़े के लिए। मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूं, आप कोऑपरेट करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। काफी बहादुर हो सब इंस्पेक्टर कुशल मनचंदा। उस श्रेया ने कान भरे ना आपके, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया होगा कि उसके किशोर ने क्या धमकी दी थी मुझे। किशोर और उसके परिवार वाले मारे गए, हत्या उनकी हुई। वो आप लोग निकलवाते हैं ना फोन रिकॉर्ड वगैरह, पहले वो निकलवाइए, जब हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाए तब आप यहाँ पर आइए। और हाँ ये बेवकूफी को ना बहादुरी ना समझ, महंगी पड़ेगी। श्रेया तुझे दिखता क्यों नहीं है? हमारी तकदीर में था मिलना और तकदीर ही मिला रही है। माधव, माधव दरवाजा खोलो बेटा,
ऐसा नहीं करते बेटा, दरवाजा तो खोलो। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कर रहा है वो। 17 जुलाई से? हाँ ऐसे ही कुछ। माधव पुलिस, दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तोड़कर अंदर आएंगे। जरूरी बात करनी है तुमसे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे क्या बात करनी है? कुछ नहीं किया तो सामने क्यों नहीं आ रहे हो? सोलह जुलाई की शाम को उस घर में आखिरी कॉल तुम्हारा था, नेहा दीक्षित को। क्या बात करनी है आपको? बात थाने में होगी। देखो माधव, चुप रहकर तुम अपनी खुद की कबर खोद रहे हो और हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि रामनाथ और उसके परिवार की कब्र तुम ही ने खोदी। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं हम? तो सच क्या है, क्या हुआ था? सर, नेहा और मैंने उस रात भागने का प्लान बनाया था। तुम दोनों भागने वाले थे, ये बात हुई थी फोन पर? जी सर, सीरियसली बोल रहा हूँ नेहा, आज रात। मैं भी कम सीरियस नहीं हूँ माधव, आज रात तो आज रात। रात को 2:30 बजे घर से निकलकर बाहर आ जाना, मैं इंतजार करूँगा। रामनाथ जी, वो हमारे रिश्ते के बारे में जानते थे, सख्त खिलाफ थे वो। सारी दुनिया का भविष्य देखता हूँ तो क्या आप खुद की बेटी का भविष्य नहीं देखूंगा? इस माधव के साथ तुम्हारा आगे कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन बाबा, हम 11वीं क्लास से एक साथ। अब आगे नहीं होगा बेटा, तुम आज ही माधव के साथ सारे रिश्ते तोड़ दो। शुरू में कठिनाई होगी पर बाद में सब ठीक हो जाएगा, और मेरा विश्वास करो बेटा, अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा। दोनों कॉलेज टाइम से भागने का प्लान बना रहे थे, उस रात हम दोनों ही जोश में थे। मैं थोड़ी देर पहले उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन सर वो आई ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर जाऊं, घर पे ताला देखकर मैं शॉक रह गया। एक अजीब सा डर भी लग रहा था कि शायद उन्होंने बाहर आते हुए उसे पकड़ लिया और कहीं ले के उसे छुपा दिया है। सर फोन ऑफ जा रहा था सर, और डर के मारे मेरी जान भी जा रही थी। और फिर मैंने सुना कि क्या हुआ था वहां, मैंने नेहा को खो दिया सर। मैं प्यार करता था उससे, शादी करने वाले थे हम। सर, इस माधव को क्लीन चिट देना बनता नहीं, कुछ तो छुपा रहा है। उसी रात भागने का प्लान बनाना अटपटा लगता है। सर, मुझे लगता है कॉर्पोरेटर धर्मेंद्र गुप्ता और उसका बिगड़ा बेटा सूरज, ये दोनों इस कांड में शामिल है। और मैंने अभी तक आनंद दीक्षित को क्लीन चिट दी नहीं, मुझे उसका मोटिव स्ट्रांग लग रहा है। पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रही हूं, क्या यह घर अब पूरा आपके नाम पे हो जाएगा ना? पूछना नहीं चाहिए था, पर और सोचना भी नहीं चाहिए था। सोच लिया है, पूछ लिया तो एक बात ध्यान से सुनो, या मोहल्ले की औरतों के साथ गपशप में इस बात का जिक्र गलती से भी नहीं आना चाहिए। दुनिया भर के लोगों को आने वाले खतरे की चेतावनी देते रहे भैया, और अपने ऊपर टूटने वाले खतरे को भांप नहीं पाए। क्या पुलिस को संदूक में से यंत्र मिला? तुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपना काम करेगी, उसे करने दे, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे रत्ती भर का डर नहीं है पापा, जो होना था वो होना ही था, तो हो गया। जो होना था वो होना ही था, सो हो गया। क्या बात है माधव, तू मुझे छोड़ के भाग जाने वाला था? अरे नहीं मां। लेकिन तू तो कह रहा था कि उस रात तू नेहा के साथ भागने वाला था। क्या बात है बेटा, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे, बताओ ना मुझे।
माँ हूं मैं तेरी। सच बता, तू जो कह रहा था वो सच नहीं है ना? माधव के अनुसार उसने और नेहा ने भागने का प्लान बनाया था। किशोर की सूरज गुप्ता से दुश्मनी थी, उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया को लेकर, और आनंद को पूरा पुश्तैनी घर चाहिए था। पर क्या ये तीनों एंगल्स उस घर में हुए भयंकर मल्टीपल मर्डर, रेप और लूट के केस के कारण? फिर एक चौथा एंगल सामने आया, या कहा जाए कि चौथा एंगल सामने लाया गया। क्या क्या गायब था संदूक से? गुरुजी की पोटली साहब, जिसमें गुरुजी का यंत्र होता था। कैसा यंत्र? क्या खास था उस यंत्र में? उस यंत्र में दैवी शक्तियां थी, इसीलिए उसे लाल पोटली में बंद रखा जाता था। कैसी शक्तियां थी उस यंत्र में? गुरुजी ने कभी डिटेल में तो नहीं बताया, इतना बताया था गुरुजी ने कि बहुत शक्ति है उस यंत्र में, इसलिए हमेशा ताला बंद रहता था संदूक का। लाल पोटली? गुरुजी, क्या है उसके अंदर? उस पोटली में शक्ति है, भविष्य देखने की, अतीत जानने की। गुरुजी, क्या हम भी उसे देख सकते हैं? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। तुम दोनों से पहले भी कई लोगों ने उसके बारे में मुझसे पूछा, उसे छूने के लिए, उसे देखने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए बनी। दूसरों की जिंदगियों का भूत, वर्तमान, भविष्य जानना इस विद्या का सबसे कठिन लक्ष्य। विचलित मन इस विद्या का दुश्मन है। तुम दोनों का मन भी आज विचलित है, ये जानने के लिए कि इस पोटली में क्या है। जब आपने संदूक खुलवाई तो उसके अंदर वो लाल पोटली नहीं थी साहब। और ये बात तुम लोग अब हमें बता रहे हो? साहब, हम डर गए थे, हमें लगा कोई है जो इस यंत्र की ताकत को जानता है, उसी ने उसे चुराया है, और अब गुरुजी की शक्तियां उसके अंदर भी आ गई हैं, और हमने मुंह खोला तो वो हमें कुछ कर सकता है। और अब ये सब हमें बताने की हिम्मत कहां से आ गई तुम्हें? तुम दोनों ये खुद बताने आए हो या किसी ने भेजा तुम्हें? हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद ही आए हैं। काफी डरे हुए थे, फिर सोचा नहीं, हमारे गुरुजी की आत्मा हमारी रक्षा करेगी, पुलिस को सच बताना जरूरी है, इसलिए आ गए। और साहब, जो आदमी ऐसा कर सकता है वो एक तांत्रिक ही होना चाहिए। और वो साहब, हम दोनों को लगता है कि वो क्या, वो कौन तांत्रिक हो सकता है? वो क्या, वो कौन तांत्रिक हो सकता है? वो गोपाल, गोपाल जोशी हो सकते हैं। संदूक में वो लाल पोटली नहीं थी, यंत्र कोई चुरा ले गया है। क्या गुरुजी और उनके परिवार का कत्ल उस यंत्र के लिए किया गया था? बकवास मत करो, पढ़ा नहीं तुम लोगों ने कि गुरुजी की पत्नी और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ? कोई भी भक्त या गुरु ऐसा कभी नहीं करवाएगा। गोपाल भाई, आप ही बताइए हम क्या करें। पुलिस ने उनके सामने हमसे संदूक खुलवाई, उसमें लाल पोटली नहीं थी। ये लाल पोटली वाली बात पुलिस को बतानी चाहिए कि यंत्र के लिए कत्ल हुआ नहीं हुआ। तुम दोनों ये यंत्र की बात भुला दो, और पुलिस भी ये यंत्र मंत्र की बात पे विश्वास नहीं करती। यहाँ माजरा कुछ और ही है। लेकिन यंत्र गायब है। तो होने दो गायब। याद करो, उस यंत्र को सिर्फ हमारे गुरुजी इस्तेमाल कर सकते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उसे कोई और छुए भी। मेरी राय मानो, तुम लोग उस यंत्र के बारे में बात तक मत करो। गोपाल भाई की सलाह हमें अजीब लगी साहब। साहब, उन्हें तो सीधे सीधे कहना चाहिए था कि पुलिस को जाकर सब बता दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तभी हमें गोपाल भाई पर शक हुआ। यंत्र? क्या बकवास है सर? सर, आस्था है लोगों के। जो ये रामनाथ करता था, वैसे तो बहुत सारे तांत्रिक करते हैं, लेकिन सर इस रामनाथ के पास काफी लोग आते थे,
इस यंत्र के जरिए अपनी भविष्यवाणी को सुनने के लिए, अपने बुरे वक्त को टालने के उपायों को जानने के लिए। लेकिन ये यंत्र दिखता कैसा है और किस चीज का बना है? ये धीरज और लक्ष्मण का अचानक हमारे पास आकर इस यंत्र के बारे में बताना, अगर ये जेन्युइन टिप नहीं है तो फिर ये क्या है और क्यों है? संदिग्धों की सूची में अब एक नया नाम जुड़ा। क्या इस नए संदिग्ध गोपाल का सामने आना दरअसल पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी, ताकि वो लोग जो पहले से पुलिस के रडार में हैं, वो बच निकले? क्या किसी इंसान के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हो सकती हैं जिससे वो किसी दूसरे इंसान के अतीत को पढ़ सकता है और उसके भविष्य को देख सकता है? रामनाथ दीक्षित के संदूक से एक रहस्यमयी लाल पोटली भी चोरी हुई थी, जिसमें ये तथाकथित जादुई यंत्र था जिसे रामनाथ हमेशा सबसे छुपाए रखते थे। इस मल्टीपल मर्डर और रेप केस के पीछे असली कारण क्या था? पुलिस के लिए इस केस के सारे एंगल्स को छांटकर जुर्म की कहानी और मुजरिम की शक्ल दोनों को सामने लाना काफी मुश्किल साबित होने वाला था। लेकिन पुलिस असली गुनहगार तक पहुंची और जब इस गुनाह का असली मकसद सामने आया तो सब के सब बुरी तरह से हिल गए। हम इस केस को अंजाम देंगे कल रात इसके दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। याद रखें, आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।